दोस्तों 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया ने ये साबित कर दिया था कि वो भी दुनिया में चल रही स्पेस रेस का हिस्सा है। इसके बाद फिर चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमारे इसरो ने कई ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल की जिन्होंने उसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक बना दिया। अब इसरो को आज हम भले ही स्पेस में बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के दौरान रॉकेट पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर ट्रांसपोर्ट किए गए थे। ये बड़ी ही हैरानी और गर्व की बात है कि ऑलमोस्ट न के बराबर फैसिलिटीज होने पर भी हमारे साइंटिस्ट अपने इस पहले रॉकेट लॉन्च में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे थे। अब इस रॉकेट लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे इस नामुमकिन देखने वाले मिशन को मुमकिन बनाया गया और इस पूरी स्टोरी में एक चर्च का क्या रोल था, यही सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 1960 के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक स्पेस रेस चल रही थी जिसमें ये दोनों ही देश एक दूसरे से बेहतर स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय जब पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर लगी हुई थी, तब हमारे इंडिया में फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे और फिर काफी खोजबीन करने के बाद से उन्होंने केरला के एक गांव थुम्बा को इस काम के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब इस गांव की अगर बात करें तो ये दिखने में केरल के दूसरे फिशिंग विलेजेस से बिल्कुल भी अलग नहीं था, लेकिन इस गांव में एक ऐसी खास बात थी जो कि इसे दूसरे गांव से अलग बनाती थी। असल में इस गांव में बना सेंट मैरी मैगडलिन नाम का एक चर्च बेहद ही खास था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट लॉन्च का भला चर्च के साथ क्या कनेक्शन। असल में दोस्तों ये चर्च हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर पर बना हुआ था। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मैग्नेटिक इक्वेटर पृथ्वी पर बनी एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो कि पृथ्वी के उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जहां मैग्नेटिक नीडल का एंगल ऑफ डिप जीरो होता है, और ये चीज साइंटिफिकली काफी इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए विक्रम साराभाई इस चर्च को एक्वायर करने के इरादे से अपने कुछ कलीग्स को लेकर वहां के बिशप डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने पहुंचे। अब यहां आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विक्रम साराभाई के उन कलीग्स में एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। विक्रम सर ने बर्नार्ड परेरा के सामने अपनी पूरी बात रखी और अपने साइंटिफिक पर्पस के लिए उनसे उनके चर्च को मांगा, लेकिन सारी बात सुनने के बाद भी बर्नार्ड परेरा ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया और उन्हें अगले संडे चर्च में होने वाले मीटिंग के लिए इनवाइट करके इस डिस्कशन को खत्म कर दिया। इसके बाद संडे के दिन जब विक्रम सर अपने कलीग्स के साथ में मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में पहुंचे, तो फिर वहां पर परेरा ने अपने धार्मिक उपदेश के दौरान ही इस पूरे मामले को चर्च में मौजूद सभी लोगों के सामने रख दिया। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स में इस पूरे इंसिडेंट को बड़ी ही खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। कलाम सर की इस बुक के अकॉर्डिंग बर्नार्ड परेरा ने चर्च में खड़े होकर ये कहा कि मेरे बच्चों, मेरे साथ ये फेमस साइंटिस्ट हैं जो स्पेस साइंस और रिसर्च के काम के लिए इस चर्च और मेरे रहने की जगह को लेना चाहते हैं। साइंस हम इंसानों की लाइफ को बेहतर बनाने वाले सच की खोज करता है, तो बच्चों क्या हम इन्हें इनके साइंटिफिक मिशन के लिए गॉड का ये पवित्र घर दे सकते हैं। परेरा की ये बात सुनकर विक्रम सर समेत उनके सारे कलीग्स शॉक्ड रह गए थे और चर्च में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। असल में ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बर्नार्ड परेरा इस बात को इस तरह से पब्लिक में ही अनाउंस कर देंगे। ऐसे में सभी साइंटिस्ट को यह डर लगने लगा था कि धार्मिक मामला होने की वजह से लोग भड़क न जाएं। कलाम सर अपनी बुक में लिखते हैं कि कुछ देर के लिए तो वहाँ पर सन्नाटा छाया रहा जिससे वैज्ञानिकों को दंगा भड़कने के और भी ज्यादा आसार दिखने लगे, लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद से पूरा चर्च आमीन की आवाज से गूंज उठा, यानी कि सभी लोगों ने ये चर्च हमारे देश के इन साइंटिस्ट को सौंपने की अनुमति दे दी थी। और दोस्तों सिर्फ चर्च में मौजूद लोग ही नहीं बल्कि पूरे गाँव के सभी लोगों ने इस मिशन में अपना पूरा सहयोग दिया। दरअसल ये परमिशन मिलते ही सबसे पहले जरूरी पेपर वर्क निपटाए गए और फिर सिर्फ 100 दिनों के अंदर सभी गांव वालों को पास के ही एक नए गांव में रिलोकेट करके वहां पर उनके लिए एक नया चर्च भी बनवाया गया। इसके बाद से चर्च के बाहर गार्डन में इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चर बनाया गया और इस तरह से सेंट मैरी मैगडलिन के नाम से जाना जाने वाला ये चर्च अब थुम्बा इक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बन गया। कलाम सर की बुक के अकॉर्डिंग विक्रम सर और उनके साथी वैज्ञानिकों ने चर्च के प्रेयर रूम को लेबोरेटरी, बिशप के रूम को ड्राइंग ऑफिस और गायों के रहने वाली जगह यानी कि कैटल शेड को स्टोरेज हाउस में बदल दिया। इस तरह से बेहद कम फंडिंग और ऑलमोस्ट न के बराबर फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इंडिया के इन यंग और पैशनेट साइंटिस्ट ने भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन शुरुआती दिनों में यहाँ पर कैंटीन तक की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को हर रोज अपना खाना लेने के लिए साइकिल से तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। और आप यह भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट नाइकी अपाचे, जिसे कि नासा ने बनाया था, उनके पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लाने के लिए भी साइकिल और बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था। हालांकि आखिरकार इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए 21 नवंबर 1963 के दिन शाम के करीब 6:15 बजे नाइकी अपाचे रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया, जहां इंडिया का ये पहला ही रॉकेट
रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और इस सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च के साथ ही हमारे इंडिया ने भी दूसरे बड़े देशों की तरह स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। और फिर इसके बाद से इसरो ने जो जो अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, आई थिंक वो सब बताने की तो जरूरत ही नहीं है। आगे चलकर विक्रम सर को सम्मान देने के लिए थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेंट मैरी मैगडलिन चर्च की मेन बिल्डिंग को एक स्पेस म्यूजियम बना दिया गया था, जहां पर इंडिया के इस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च की इंस्पायरिंग स्टोरी का अनुभव किया जा सकता है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।